Hi guys, this is Sheetal Khatri and welcome back to my channel again. And yes, today we are in Anjar Kutch, and today we are covering and visiting the place, ancient place from 14th century, that is Jaisal Toral Samadhi. First of all, मैं खुद पे इतना गुस्सा हूँ ना कि इतने मैंने ये जगह पहले व्लॉग क्यों नहीं की. दिस प्लेस हैज़ सो मैनी चाइल्डहुड मेमोरीज अटैच टू मी एंड आई हैव बीन विजिटिंग दिस एंशियंट हिस्टोरिक प्लेस सिंस ईयर्स एंड आई एम व्लॉगिंग इट सो लेट बट बेटर लेट दैन नेवर. सो येस एंड टुडे आई एम गोना शेयर अबाउट दिस हिस्टोरिक प्लेस फ्रॉम 14th सेंचुरी अबाउट द स्टोरी ऑफ Jaisal Jadeja and Sati Toral, which is extremely amazing. So, इस वीडियो में मैं आपको Jaisal Toral समाधि के बारे में सब जानकारी दूंगी. आप यहाँ कैसे पहुँच सकते हैं, ये जगह कहाँ पे स्थित है एंड everything. So please इस वीडियो में बने रहिए. अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. सो द Jaisal Toral समाधि इज सिचुएटेड इन अंजार कच्छ, द स्मॉल टाउन अवे फ्रॉम भुज अराउंड डिस्टेंस 45 किलोमीटर्स. सो अगर आप आ रहे हैं तो आप भुज आके यहाँ से अंजार आ सकते हैं. यहाँ पे आसपास रहने की भी सुविधाएं हैं. दिस प्लेस इज लिस्टेड इन गुजरात टूरिज्म एज वेल इज वन ऑफ द मोस्ट यू नो वर्थ विजिटिंग प्लेसेस इन कच्छ इटसेल्फ. एंड ये जगह काफ़ी पुरानी है, लाइक 14th सेंचुरी. मीन्स यू कैन अंडरस्टैंड कि इस जगह पे कितनी सारी हिस्ट्री है. एंड यू नो इट ऑलरेडी कि हाउ मच आई लव हिस्टोरिक प्लेसेस एंड आई रियली रियली लव दिस प्लेस सो मच. और जो ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये है Jaisal Toral की समाधि. यहाँ पे वीडियो शूटिंग करना अलाउड नहीं है. सो अनफॉर्चुनेटली मैं कुछ अंदर शूट नहीं कर पाई, बट इसके बारे में जो हिस्ट्री है वो कुछ आई वॉन्ट टू शेयर इट विद यू गाइज. Jaisal Jadeja, जो कच्छ के काले नाग के नाम से भी जाने जाते हैं, उनका जन्म 14वीं शताब्दी के आसपास के कच्छ के डेडा वंश के राजपूत रावजी जाडेजा के पुत्र चंदोजी जाडेजा के यहाँ हुआ था. Jaisal जी के पहले के जीवन का हर जगह एक क्रूर डाकू के रूप में चित्रित किया गया है. उनकी भाभी ने उनको चुनौती दी थी कि वो सौराष्ट्र की प्रख्यात घोड़ी तोरी को चुरा के लेके आए. सौराष्ट्र के संत राजा शाही संत राजशी अपने घोड़े और तलवार को चुराने के लिए वहां जाते समय अचानक पट पूजन समारोह के दौरान पहुंचे. क्रूर और बहुषित Jaisal के जीवन को बचाने के इरादे से संसत्या संत जो घोड़ी तोरी के मालिक थे, उन्होंने अपनी बीवी तोरी को, जो सती तोरल है, उन Jaisal Jadeja को सौंप दिया. Jaisal Jadeja ने फिर कहा कि उन्होंने घोड़ी तोरी मांगी थी, ना कि उनकी पत्नी तोरी. लेकिन संसतिया ने खौफ में आकर अपनी पत्नी तोरल को भी Jaisal Jadeja को सौंप दिया. तोरल एक पतिव्रता पत्नी होने के कारण चुपचाप बिना कुछ बोले घोड़ी तोरी और Jaisal के साथ कच्छ की ओर चल पड़ी. रास्ते में काफी कठिनाइयों से गुजरकर समंदर के तूफान से Jaisal को बचाकर तोरल ने धीरे धीरे महान पथ पर Jaisal को ले गई और Jaisal का दिल बदल दिया. Jaisal और तोरल दोनों की समाधि यहाँ कई सालों से स्थित है. सो ये दो जो समाधियाँ पास पास में हैं, सती तोरल और Jaisal Jadeja की, ऐसा माना जाता है, और मैंने ये देखा भी है. टू बी वेरी ऑनेस्ट, यू नो, ये चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा फैसिनेटिंग लगती है, वो है कि ये दोनों जो समाधियाँ हैं वो हर साल नज़दीक आती जाती हैं. ऐसा माना जाता है कि जब ये समाधियाँ बिठाई गई, जहाँ पे पहले ऐसा माना जाता था कि यहाँ उन दोनों समाधियों के बीच में इतनी जगह थी कि वहाँ से दो बुलक कार्ट्स आराम से गुजर सकते हैं, ऐसा माना जाता है कि तोरल जी की समाधि तिल जितनी हर साल आगे बढ़ती है और Jaisal जी की जौ जितनी, जौ मीन्स यू नो वीट का जो आगे का पोर्शन होता है कवर, उतनी आगे बढ़ती है हर साल. दे यू नो ट्राई टू यूनाइट. एंड ऐसा माना जाता है कि जिस दिन ये दोनों समाधियाँ एक साथ मिल जाएंगी, उस दिन बहुत बड़ा प्रलय आने वाला है. एंड यू नो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, दिस थिंग इज लिटरली वेरी वेरी फैसिनेटिंग फॉर मी, बिकॉज ये चीज़ मैंने नोटिस की है जब मैं पहले आती थी और जब मैंने समाधियों को देखा है
दोनों को, और अब मैं देखती हूँ तो लिटरली मैं उनके बीच के डिस्टेंस में नज़दीकियाँ देख सकती हूँ, बिकॉज दिस इज समथिंग विच इज़ अनएक्सप्लेनेबल. सम थिंग्स आर बियॉन्ड यू नो नॉट एक्सप्लेनेबल. ऑल आई कैन से इज़ दैट यहाँ घोड़ी तोरी की भी समाधि स्थित है. अंजार शहर छुरी और चप्पू के लिए काफी प्रसिद्ध है. अंजार शहर कच्ची हैंडीक्राफ्ट के लिए दुनिया भर में मशहूर है. So yeah guys, this was it for today and I hope you really like this video. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशनल लगा एंड अगर आप चाहते हो कि मैं कच्छ की यू नो और ज़्यादा जगह एक्सप्लोर करूँ, आई शुड ब्लॉग मोर प्लेसेज, देन प्लीज़ डू मैंशन इन द कमेंट सेक्शन बिलो. एंड अगर आपको ये वीडियो आज का अच्छा लगा, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. एंड थैंक यू फॉर ऑल ऑफ दोज शोइंग मी सपोर्ट कॉन्स्टेंटली. You guys mean so much to me. Okay, until then, see you next time. Bye.